बोलिए लाडली लाल की। अंड बंड जब खाओगे तो उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। तो श्वेत केतु ने नहीं समझी ये बात, उनको आश्चर्य बना रहा गुरु जी की ये बात खोपड़ी में नहीं बैठी। अब कह रहे हैं मान लो बात अलग है। तो डालक ने ऑर्डर किया श्वेत केतु, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। दूसरे दिन फिर गुरु जी आज क्या किया, खाना नहीं मिलेगा। तीसरे दिन खाना नहीं मिलेगा, चौथे दिन खाना नहीं मिलेगा। 16 दिन तक उद्दालक ने श्वेत केतु को यही आज्ञा दी, खाना नहीं है आज। अब 16 दिन के उपवास से श्वेत केतु की हालत खराब हो, चलना फिरना मुश्किल, चक्कर आ रहे हैं। तो 16 उपवास के बाद उद्दालक ने श्वेत केतु से वेद की ऋचाओं का उच्चारण पूछा, अर्थ पूछा। अब उनकी आंखें ही न खुले बिचारे की, वो क्या बताऊं। सत्रहवें दिन उद्दालक ने कहा दूध पिलाओ उसको। दो एक दिन दूध पिलाया, फल का रस दिया। उनने कहा बेटा वो वेद मंत्र बोलो तो। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न भूखा विश्ववेदा, बोल गए। उनने कहा बेटा एक बात बताओ, तुमसे हमने परसों भी पूछा था ये वेद मंत्र, तुम बोल नहीं पाए, बता नहीं पाए हमारे प्रश्न का उत्तर। तो देखो बेटा मन का प्रभाव, मन पर प्रभाव अन्न का पड़ता है, खाद्य पदार्थ का पड़ता है। सात्विक खाना खाओगे सात्विक बुद्धि होगी, राजस खाना खाओगे राजस बुद्धि होगी, तामस खाना खाओगे तामस बुद्धि होगी। इसलिए खाने पीने में भी सावधानी बरतनी चाहिए, गुलाम नहीं होना चाहिए। देखिए गीता का वाक्य, रस वर्जम रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। देखिए निराहार रहने से इंद्रियों के विषय समाप्त हो जाते हैं, लेकिन रस वर्जम, रस वर्जम, ये रस वर्जम क्या बला है? रस वर्जम, सब इंद्रियों के विषय चले जाएंगे लेकिन मन का विषय नहीं जाएगा, मन की वासना नहीं जाएगी। ये अभिप्राय है इसका रस वर्जम का। यानी अगर आप उपवास करेंगे लगातार तो इंद्रियां शिथिल हो गई, तो इंद्रियां शिथिल होने से इंद्रियों का वर्त आप कैसे करेंगे? इंद्रियों की इच्छाएं तो समाप्त सी हो गई, लेकिन मन की वासना नहीं जाएगी, वो वासना मेन है। इसलिए मन ही मेन रीजन माना गया शास्त्रों वेदों में, और उसको ठीक करने के लिए गुरु आदेश, शास्त्र वेद के आदेश, उसके द्वारा जो बिना बुद्धि लगाए, अपनी बुद्धि लगाए, अपनी प्राइवेट बुद्धि जो है, माइक बुद्धि, तमाम जन्मों की बिगड़ी बुद्धि, उसका प्रयोग किए बिना, हित अनहित का विचार किए बिना, जो गुरु के आदेश को मान करके और फिर उस बुद्धि के द्वारा मन को गवर्न करता है, वो कुछ दिनों में अभ्यास करके फिर श्याम सुंदर को अपना मानने लगता है। लेकिन फिर भी श्याम सुंदर से प्यार करने का तरीका क्या है, ये तो बताया नहीं गया अभी, फिर बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।